दोस्तों अभी हम हरियरनाथ मंदिर के पास हैं और ये नज़ारा आप देख सकते हैं, बाढ़ का पानी जो है किस प्रकार से इतना तेजी से जो लहर है वो गंडक के तरफ जा रहा है। और ये हरियरनाथ मंदिर आप मेरे पीछे देख सकते हैं और यहाँ पे पूरा बाढ़ से जो है सारा दुकान जो है वो डूब चुका है। बगल में जो है गांव है राहर दियर हो गया, सोनपुर का सब्बलपुर हो गया, सारा जो है वो बाढ़ से प्रभावित हो चुका है और लोग जो है वो परेशान है। लगातार जो है देख सकते हैं आप लोग कैमरा के माध्यम से, लोग इसमें अवसर के तरह जो है मछली भी मार रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं इसको अवसर बनाए हुए हैं और अवसर के तरह जो है इसमें नहा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो लहर है वो दिखाइए थोड़ा सा, ये जो लहर है इतना तेज लहर है कि अगर कोई बीच में अगर पैर स्लिप हो गया तो सीधा जो है गंडक में चला जाएगा। और इसी में बहुत सारे लोग जो है वो ट्रैक्टर से आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है अपने अपने संसाधन से अपने घर से निकल रहे हैं। लेकिन सरकार के तरफ से क्या कुछ मदद दिया गया, यहाँ स्थानीय लोग हैं, बच्चे हैं, उनसे जानते हैं। आ जाओ इधर आ जाओ। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम है रामदेव राय। रामदेव राय जी, इससे पहले देखे थे इतना बाढ़ जो है इतना ज्यादा पानी देखे थे? हाँ, इससे पहले भी आया हुआ था, चार साल पहले। हाँ हाँ, तो उस समय जो सरकार के तरफ से कोई मदद किया गया था? बहुत मदद हुआ था, घरे घर यहाँ ये चावल गेहूं लोग के घरे घरे भी ये बुला कर दिया जा रहा था, गाँव में बंटवाया जा रहा था, बना हुआ ये अथी भी है बंटवाया जा रहा था पॉकेट में। अच्छा, लेकिन अब क्या ये सरकार में, नीतीश सरकार में कुछ नहीं। उस समय भी तो नीतीश की सरकार था, तो उस समय ये चला। उस समय क्या ये उनका ये दिल दिमाग में था कि पूरे राज्य को देखे थे, लेकिन अब की तो अभी तक ले कोई न नेता न कोई मंत्री न कोई संतरी कोई नहीं। देखिए नाव भी जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इतना तेज लहर है कि धीरे धीरे नाव को बढ़ना पड़ रहा है। देखिए लहर के सामने जो है नाव भी धीरे धीरे बढ़ नहीं पा रहा है, देख सकते हैं आप लोग कैमरा के माध्यम से पीछे जो नाव आ रही है और बच्चे जो है इसको अवसर बनाए हुए हैं। इस बाढ़ के पानी से कितना गांव, लगभग कितने लोग प्रभावित हैं? करीब बहुत लोगों ये प्रभावित हैं। हाँ, करीब हमारे 4 ग्राम पंचायत तो प्रभावित हैं। जैसे है कि पूर्वी, मध्यवर्ती, पश्चिमी, वो सब ऊंचाई है प्रभावित है, प्रभावित है। माने कि वो लोग के बहुत ऐसा लोग हैं कि उनको खाने पीने के लिए पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है, पानी का भी अथी है, सब डूबा हुआ है, कल है अथी है, सब डूबा हुआ है। इसी पानी को ये साफा करके बैठा कर बाल्टी में ड्राम में रख रहा है, लोग साफ हो जा रहा है तो पी रहा है। सरकार के तरफ से कोई ऑफिसर कोई अधिकारी आप लोग से मिलने आए? कोई नहीं, ये जगह से आकर पानी देख कर बाप बाप करके भाग रहा है, वो सब तो अपने जान बचा रहा है। कोई प्रशासन, इसी जगह प्रशासन है, इसी जगह अथी है, लेकिन कोई नहीं। अच्छा, हरियरनाथ मंदिर में आप लोग पूजा भी करते होंगे तो मतलब उनको प्रभाव पड़ता होगा, बाढ़ के कारण लोग नहीं आ पा रहे हैं? जरूर, इसमें यह कहाँ दो मत के बात है कि आवेंगे, कोई नहीं आ रहा है, अन्यथे इसमें है भीड़ लगा हुआ रहा, लोग आते थे, लेकिन अभी कहाँ इसमें आएंगे दोह के मरने के लिए, कोई नहीं। सबसे पहले सरकार के तरफ से चूड़ा और मीठा दिया जाता था, तो अभी आप लोग को मिला है? कहे नहीं कि कुछ नहीं। सरकार के तरफ से कोई राहत नहीं है, न चूड़ा है, न मीठा है, न यह ब्लॉक पर यह लोग जाकर धरना दे रहा है, लेकिन तो पर भी नहीं है, अधिकारी लोग सुन रहे हैं। हाँ, हाय हाय मचा हुआ है, लोग प्रभावित हैं, लाखों से ज्यादा न कहिए, 4 ग्राम पंचायत में तनका हुआ, राहर दियर से लेकर एकदम पूरे पहले जाते रंग चौक तक पानी चढ़ गया। वो सबको न कह रहे हैं कि सबको ही प्रभावित है। देखिए ये बच्चे जो हैं वो इस बाढ़ को अवसर बनाए हुए हैं और इसमें नहा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। शायद इनको पता नहीं कि कल ही जो है यहाँ इतना बड़ा घटना हुआ है कि नाव डूबने से कई सारे बच्चे जो हैं वो डूब गए हैं। इन लोगों को भी संभल के रहना चाहिए और देखना चाहिए। लेकिन ये लहर देखिए कितना तेजी से जो है हरियरनाथ सोनपुर मेला का ये सोनपुर क्षेत्र हरियरनाथ का ये दृश्य है और देख सकते हैं चारों तरफ बाढ़ से जो है लोगों में कोहराम मचा हुआ है, लोग मछली मार रहे हैं, लोग नहा रहे हैं, लेकिन सरकार के तरफ से कोई मुआवजे की बात, सरकार के तरफ से कोई राहत की बात अभी तक नहीं पहुंची है। रास्ते में देखे कि विधायक जी जो हैं वो एक बैनर पोस्टर लगा दिए हैं कि जो पीड़ित है वो आकर इसमें रहे, खाना पीना खाए। सुनिए, ये तो गलत बात आप भी बोल रहे हैं, बैनर लगाए हुए, बैनर खाली लगा दिए हैं, हम खुद गए हैं, अभी कल्हे गए हैं मुआयना करने के लिए, हम भी प्रतिनिधि हैं,
मुआयना करने के लिए गए हैं, कुछ नहीं है, जाकर उसको ये उघाड़ उघाड़ कर सब देखे, कुछ नहीं का तो रात में बनता है, रात रातों में नहीं है, ये सब तो झूठ मूठ के लगा दिए हैं। एगो अथी विधायक जी घूमने आए हैं, देखने आए हैं कि बाढ़ के कितना लोग प्रभावित। विधायक वो अपने घर पर गए हैं? नहीं गए हैं, राहर देर उनका घर है, लेकिन पटना रह रहे हैं, यहाँ भी रह रहे हैं, बच्चा बाबू का घर में रह रहे हैं, लेकिन इधर नहीं आ रहे हैं, इधर दियर में देहात में ये नहीं जा रहे हैं कि हमारा क्षेत्रीय लोग क्या है नहीं है कैसे। साल इलेक्शन भी है। हाँ तो अब इलेक्शन है, लेकिन तो पर भी नहीं, अब फिर लाठी से मार के चेहर देगा जनता। हाँ, सोनपुर के विधायक, सोनपुर का विधायक राम अनुज का डॉक्टर लगता है ना, इसी कारण से कि पढ़े लिखे आदमी है, इस कारण से लोग जिताता था कि नहीं ज्ञानी ध्यानी पुरुष है, लेकिन नहीं, ई दो बार तीन बार जीते लेकिन कभी कुछ नहीं किए आम जनता ला, बस आवेंगे वहाँ बच्चा जी के मकान पर बैठ के भूंजा खाएंगे या चले जाएंगे। तो देखिए बाढ़ से लोग प्रभावित हैं और विधायक से भी नाराज हैं, क्योंकि विधायक जी देखने भी नहीं आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात अगर आप पटना में हैं, पटना से अगर आप छपरा आ रहे हैं, गोपालगंज जा रहे हैं, सिवान जा रहे हैं, तो आप सतर्क होकर जाएं, क्योंकि सोनपुर का जो निचला इलाका है वो बाढ़ से पूरा प्रभावित हो चुका है, चाहे वो बजरंग चौक हो, पहलेजा हो, सोनपुर हरियरनाथ मंदिर हो, या सारण जिले के अलग अलग जगह पे जो भी निचले स्तर के बाईपास हैं वो भी डूब चुके हैं। तो सतर्क होकर आप पटना से आएँ और सीधा जो है बाईपास पकड़ के जहाँ भी जाना हो जाएँ, पहले पता कर लें कि बाढ़ से कौन सा इलाका प्रभावित है, कौन सा बाढ़ से जो है प्रभावित नहीं है, उसके बाद जो है आप घर से निकले और कहीं भी जाना हो तो जाएँ। बाकी आप लोग इस वीडियो के माध्यम से क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।